इस पार्ट में आपको बता देता हूं मैं मोल फ्रैक्शन। अच्छा, मोल फ्रैक्शन का मतलब है रेशियो। किसका रेशियो? सॉल्वेंट का और जो सॉल्यूट है उन दोनों का रेशियो। उन दोनों के रेशियो से निकलेगा मोल फ्रैक्शन। मीन्स हमारे पास मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट है, एक सॉल्वेंट है और एक उसमें सॉल्यूट है, यानी कि ए और प्लस बी, उससे बनाया हमने सॉल्यूशन। अच्छा, जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो किसी एक कॉम्पोनेंट का निकाला जाता है, या तो ए का निकलेगा या बी का निकलेगा। और निकलेगा कैसे भाई? हमको नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए। मान लीजिए ए के जो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन में है वो एन वन है, बी के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो एन टू है, और टोटल क्या हो जाएगा यानी कि सॉल्यूशन के, यानी एन इजिकल टू हो जाएगा एन वन प्लस एन टू। अब अगर हमें ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए के मोल और बाई में टोटल मोल, यानी कि एन वन प्लस एन टू। बी का निकालना है तो बी के मोल और बाई में टोटल मोल। अगर इसी तरह से मान लीजिए आपके पास कंपोनेंट तीन है, मान लीजिए अब इसको हम तीन कंपोनेंट बना देते हैं, यानी कि प्लस सी भी कर देते हैं, और सी के नंबर ऑफ मोल है एन थ्री, और सॉल्यूशन के टोटल मोल हो जाएंगे एन इजिकल टू एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री। इसी तरह से चार हों तो एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस एन फोर। अच्छा, जैसे हमें ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इजिकल टू हो जाएगा ए के मोल और बाई में सॉल्यूशन में जितने भी मोल हैं, यानी कि एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री। इसी तरह से अगर हमें बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो बी के मोल एन टू बाई में हो जाएगा एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री। ऐसे सी के मोल निकालने हैं तो एन थ्री बाई एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री। ऐसे अगर चार कॉम्पोनेंट हो तो एन फोर बाई एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस एन फोर। इस तरह से हम निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन। अच्छा, कई बार इसमें से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसको प्रूव करना होगा कि आपको मोल फ्रैक्शन जितने भी कॉम्पोनेंट है सभी का जो टोटल होता है वन होता है, आसानी से प्रूव हो जाएगा। भाई मान लीजिए आपके पास ए और बी दो कॉम्पोनेंट है, इससे आपने बनाया सॉल्यूशन, ए के मोल है एन वन, बी के मोल है एन टू, और सॉल्यूशन के मोल हो जाएंगे एन वन प्लस एन टू। और हमसे क्वेश्चन मान लीजिए पूछा गया कि ये आपको प्रूव करना है कि दोनों मोल फ्रैक्शन का जो टोटल है, जो सम आता है, वो हमेशा वन आएगा। जैसे कि ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एन वन ए के मोल और बाई में टोटल मोल एन वन प्लस एन टू। ऐसे बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बी के मोल और बाय में टोटल मोल एन वन प्लस एन टू। और इन जन दोनों को जोड़ करके देख लो, यानी कि ए का मोल फ्रैक्शन प्लस बी का मोल फ्रैक्शन, ए की वैल्यू क्या हुई एन वन बाई एन वन प्लस एन टू, और प्लस बी की वैल्यू क्या हुई एन टू बाई एन वन प्लस एन टू इजकल टू, यहाँ से एलसीएम क्या आ गया एन वन प्लस एन टू, और एन वन प्लस एन टू से एन वन प्लस एन टू डिवाइड हो गया, बचा आपका एन वन। इसी तरह से इससे डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या आपका एन टू। एन वन प्लस एन टू ऊपर है, एन वन प्लस एन टू नीचे है, दोनों कैंसिल होकर के आ जाएगा वन। तो हमेशा जितने भी कॉम्पोनेंट होते हैं सभी के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा एक आता है। अच्छा, इसमें से एक क्वेश्चन और आ जाता है, इसमें कौन कौन सी आपकी मोल फ्रैक्शन या इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं? तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, चार चीज़ें बताई मैंने। एक तो मोलैरिटी है, एक मोलैलिटी है, एक फॉर्मैलिटी है, और एक है आपका मोल फ्रैक्शन। मोलैलिटी इजकल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, मोलैलिटी इजकल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय मास, और मोल फ्रैक्शन हो जाएगा आपका, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, मान लीजिए कंपोनेंट किसी एक का निकालना है, उसके नंबर ऑफ मोल एन वन है तो एन वन बाई एन वन प्लस एन टू, अरे सॉरी सॉरी ये फॉर्मैलिटी का निकालना था, फॉर्मूला मास, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास और बाय में वॉल्यूम, और आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन
मोल फ्रैक्शन को जनरली एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो मोल फ्रैक्शन जिसका भी निकालना है मान लीजिए उसके नंबर ऑफ मोल एन वन है, तो एन वन बाइमर टोटल मोल है मान लीजिए एन वन प्लस एन टू। अब इसमें देखना है कौन कौन सी इसमें से कंसंट्रेशन है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अच्छा याद रखिएगा, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी सॉल्यूशन का, तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसका वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही, आप 9th-10th में पढ़ी होगी आपने बात कि अगर हम किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं थोड़ा फैलता है वो, तो उसका जो है वॉल्यूम बढ़ेगा। और वॉल्यूम बढ़ेगा तो देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वॉल्यूम से रिलेटेड हैं, यानी कि टेम्परेचर का जो इफेक्ट पड़ेगा उन्हीं कंसंट्रेशन पे पड़ेगा। मोलरिटी वॉल्यूम से रिलेटेड है, इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और ये अगर बढ़ेगा तो मोलरिटी उसकी डाउन हो जाएगी, मोलरिटी घटेगी। इसी तरह से मोलरिटी यानी कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मोलरिटी यहाँ कहीं भी वॉल्यूम नहीं है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं नंबर ऑफ मोल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मास पे सॉल्यूशन के कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका मतलब मोलरिटी टेम्परेचर से इफेक्ट मोलरिटी पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। फॉर्मेलिटी यहाँ भी ये वी से रिलेटेड है, इसका मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट इस पर भी पड़ेगा। और मोल फ्रैक्शन इसमें कहीं वॉल्यूम है ही नहीं, इसका मतलब इस पर भी टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दो कंसंट्रेशन आपकी आ जाती है, मोलरिटी और फॉर्मेलिटी, टेम्परेचर से पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर का पर कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर आपने एक सॉल्यूशन लिया है जिसकी मोलरिटी 1 है, 1 m है, और आपने इसको गर्म कर दिया तो उसकी मोलरिटी में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक सॉल्यूशन लिया था जिसकी मोलरिटी 1 थी, आप कुछ भी कर लीजिए, कितना गर्म कर लो या ठंडा कर लो, उसकी मोलरिटी 1 mole पर किलोग्राम ही रहेगी। ठीक है, तो उनको याद रख लीजिए, 2 units आपकी जो जो बस इतना ही, आपका सारी कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक चलेगा वो होगा आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का।